हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हथेली है आयताकार शेप में नज़र आ रही है, काफ़ी एनालिटिक पर्सनालिटी इनकी रहने वाली है। और जो हथेली की शेप है वो कुछ रेक्टेंगुलर शेप में हथेली यहाँ पर दिखाई दे रही है, और जो फिंगर्स हैं काफ़ी अच्छी लेंथ में हैं, काफ़ी सीधी रेखाएँ भी हैं फिंगर्स के ऊपर, लेकिन कुछ आड़ी रेखाएँ जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो स्वभाव को थोड़ा सा अग्रेसिव बनाती हैं, थोड़ा गुस्सा भरती हैं, वो भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। थोड़ी अग्रेसिव नेचर इनकी रहेगी, काफ़ी ज़्यादा एनालिटिक नेचर रहेगी। फिंगर्स की लेंथ काफ़ी अच्छी है और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर मैं यहाँ पर नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी रेखाएँ जो हैं यहाँ पर काटने वाली शेप में, यानी आड़ी रेखाएँ इनकी फिंगर्स के ऊपर यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आगे अगर लेंथ की बात की जाए तो यहाँ पर सैटर्न की लेंथ यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मेहनती नेचर को दर्शाती है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर सूर्य की फिंगर को अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी लंबाई में सूर्य की फिंगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, काफ़ी स्ट्रांग है सूर्य की फिंगर, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर रहेंगी। और जो गुरु फिंगर है, यानी कि यह जो इनका डिस्टेंस है आपस में, जो इनकी साइज़ में डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा है, कुछ हद तक लीडरशिप क्वालिटीज़ में थोड़ी सी वीकनेस रहती है अगर गुरु फिंगर की लेंथ थोड़ी छोटी हो। और अगर मर्करी फिंगर की बात की जाए तो मर्करी फिंगर की लेंथ यहाँ पर बहुत अच्छी है, तो अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छी कैलकुलेशंस रहती हैं इस फिंगर की। अच्छी लेंथ होने की वजह से यहाँ पर यह फिंगर जो है लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रही है और काफ़ी स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी और स्ट्रांग फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है, तो अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और दूसरी चीज़, यहाँ पर कुछ गैप फिंगर्स के बीच में काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है, जो इनकी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा ज़िद्दी बनाता है, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी रहेगी। कुछ ऐसा ही यहाँ पर इनकी माइंड की लाइन और लाइफ लाइन के बीच में भी काफ़ी गैप आपको नज़र आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का गैप यहाँ पर है, और यहाँ फिंगर्स के बीच में कुछ गैप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो काफ़ी एक तरह से ऐसी नेचर रहती है, थोड़ा सा स्वभाव जो है अग्रेसिव रहता है, और साथ ही साथ अपनी मर्जी के मालिक होते हैं ऐसे लोग जिनकी यह फिंगर्स में गैप हो और लाइंस के बीच में, माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में भी दूरी हो। तो कुछ इस तरह की नेचर इनकी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। आगे देखते हैं फिंगर्स की सेटिंग को। तो आप यहाँ पर देखें अगर, तो एक लाइन ड्रॉ करने से कुछ इस तरह की सेटिंग नज़र आ रही है, जिसमें थोड़ा सा मर्करी माउंट लो सेट है, लेकिन मर्करी माउंट को हाथ में स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। तो लो सेट होने से थोड़ी शाई नेचर रह सकती है, लेकिन कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे इनके रहने वाले हैं, और उभरा हुआ इनका मर्करी माउंट यहाँ पर इनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे सकता है। सारे माउंट्स को चेक करते हैं वन बाई वन थोड़ा क्लोजअप लेकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति माउंट के ऊपर एक क्रॉस जैसा चिन्ह बनता हुआ जो काफ़ी अच्छा माना जाता है, उभरा हुआ बृहस्पति माउंट इनके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर उभरा हुआ बृहस्पति है, और प्रोग्रेस लाइन भी ऊपर की तरफ चलती नज़र आ रही है, और कुछ क्रॉस जैसा चिन्ह भी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो धन की कमी व्यक्ति को नहीं रहती, और इस तरह का माउंट होने की वजह से फैमिली की तरफ से भी काफ़ी सुख मिलते हैं। तो बृहस्पति यहाँ पर अच्छा है, अच्छे रिजल्ट देने वाला नज़र आ रहा है। लेकिन अगर शनि और सूर्य की बात की जाए तो शनि और सूर्य मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रहे। अब देख सकते हैं दबे हुए माउंट्स हैं शनि और सूर्य, और गर्डल ऑफ वीनस यहाँ पर काफ़ी क्लियर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा गर्डल ऑफ वीनस की शेप इनके हाथ में, थोड़ा सा ब्रोकन है, लेकिन इस साइज़ का गर्डल ऑफ वीनस आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर थोड़ा सा ब्रेक हुआ। अगर यह पूरा कंप्लीट होता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, बहुत सारी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ व्यक्ति के अंदर रहती हैं, और यह गर्डल ऑफ वीनस व्यक्ति को काफ़ी सारी उपलब्धियां भी दिलवा सकता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ब्रोकन होने की वजह से इसकी कुछ नेगेटिविटी भी रहेगी, जैसे मूड स्विंग्स जैसी प्रॉब्लम,
और एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर भी रहती है इस तरह का गर्डल ऑफ वीनस बनने की वजह से। तो मूड स्विंग्स हो सकती है, थोड़ी इमोशंस ज़्यादा रह सकते हैं इस तरह का गर्डल ऑफ वीनस होने की वजह से, और अदरवाइज काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी इनको इस गर्डल ऑफ वीनस की वजह से मिल सकते हैं। और जो इनका शनि माउंट है और सूर्य माउंट है थोड़े से वीक हैं, लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा रहती है, शनि माउंट होने की वजह से, वीक होने की वजह से हार्ड वर्क रहता है, लेकिन प्रोग्रेस भी काफ़ी अच्छी रहती है। हार्ड वर्किंग होने की वजह से व्यक्ति काफ़ी कुछ अचीव कर पाता है। नेम एंड फेम मिलने में ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलती अगर सूर्य माउंट थोड़ा सा वीक हो। अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ तो इनके अंदर ज़रूर रहेंगी, क्योंकि सूर्य माउंट को साइज़ काफ़ी अच्छा मिला है और जो फिंगर की लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है सूर्य फिंगर की, लेकिन यहाँ पर क्लियर सूर्य रेखा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको सिर्फ इस साइज़ की सूर्य रेखा नज़र आएगी, या कुछ ऐसी आड़ी रेखाएँ यहाँ पर दिखाई देंगी, जिसकी वजह से नेम एंड फेम मिलने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। मरकरी की बात करें तो मरकरी यहाँ पर काफ़ी उभरा हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छा माउंट है जो इनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। काफ़ी स्ट्रांग माइंड होता है व्यक्ति का जिनका मरकरी प्रोमिनेंट हो, तो यहाँ पर प्रोमिनेंट मरकरी है। फिंगर को भी हमने देखा था, अपोलो के फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इवन बिजनेस माइंडेड होते हैं ऐसे लोग जिनका मरकरी स्ट्रांग हो, विजडम काफ़ी अच्छी रहती है। आगे बढ़ते हैं लाइंस की तरफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी लाइन है, इनकी हृदय रेखा की बात करने जा रहा हूँ, हार्ट की लाइन है, यहाँ पर थोड़ी सी ब्रांचेस के साथ शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह की ब्रांचेस जो व्यक्ति को थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर का भी बनाती हैं, कुछ ऐसी ब्रांचेस का होना, और साथ ही साथ यहाँ पर आकर थोड़ी सी ओवरलैपिंग सॉर्ट ऑफ थिंग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो इनकी हार की लाइन है पूरी तरह से आगे बढ़कर बृहस्पति माउंट तक पहुँच रही है। बहुत ही आदर्शवादी नेचर के होते हैं ऐसे लोग, बहुत सोच समझकर मित्रता करते हैं, दोस्ती करते हैं, और यहाँ पर कुछ ब्रांचेज हैं जो नीचे की तरफ, यहाँ से यह ब्रांच इनको मंगल की तरफ लेकर जा रही है, तो मंगल का प्रभाव रहेगा। इनकी बर्थ चार्ट में मैंने चेक किया, मांगलिक दोष भी है वहाँ पर, और कुछ इस तरह की जो लाइंस हैं नीचे की तरफ चलने वाली व्यक्ति को थोड़ा इमोशनल नेचर का बनाती हैं। इमोशनल सेटबैक्स भी लाइफ में मिलते हैं, और ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में काफ़ी सारी लाइंस नीचे की तरफ चल रही हों, तो ऐसे व्यक्ति थोड़े ज़्यादा ही इमोशनल होते हैं। तो यहाँ पर आइडियलिस्टिक अप्रोच रहेगी लाइफ के प्रति, बृहस्पति की वजह से और इन लाइंस की वजह से और गर्डल ऑफ वीनस होने की वजह से काफ़ी इमोशनल पर्सनैलिटी भी इनकी रहने वाली है। और लगभग ओल्ड एज में चलकर थोड़ी हार्ट रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, यहाँ पर ओवरलैपिंग शो करती है हार्ट से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को, जो लगभग ओल्ड एज यानी कि 60 के आसपास, 55 और 60 के बीच की एज में इनको थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है। आगे क्या करते हैं माइंड लाइन को, तो यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि माइंड की लाइन और इनकी लाइफ की लाइन दोनों अलग अलग होकर चल रही हैं। यहाँ पर थोड़ी ओवरलैपिंग मानसिक तनाव दे सकती है, और कुछ इस तरह की लाइन है इनकी जिसमें ओवरलैपिंग हो रही है और साथ ही साथ थोड़ा गैप नज़र आ रहा है। तो थोड़ी सी इनकी अग्रेसिव नेचर रहेगी, ज़िद्दी स्वभाव रह सकता है, इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी रहेगी, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं ऐसे व्यक्ति, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में हिचकिचाते नहीं और आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इस तरह की नेचर रहती है। लेकिन माइंड बहुत शार्प रहेगा, थोड़ा सा मानसिक तनाव 30 के आसपास की एज में इनको रह सकता है, यहाँ पर 30 के अराउंड एज में जो लाइन है ओवरलैप होकर चल रही है, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, लेकिन आगे चलकर कोई भी ऐसी मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। तो ओवरऑल माइंड की लाइन यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग माइंड को शो करती है, काफ़ी शार्प माइंड को शो करती है। आगे बढ़कर देखते हैं इनकी बाकी की लाइंस को, जैसे कि फेट लाइन को आप देख सकते हैं मिडल तक यहाँ पर चलती हुई, लेकिन आगे फेट लाइन मिसिंग है। तो इसका मीनिंग यह नहीं है कि किस्मत अच्छी नहीं, काफ़ी अच्छी किस्मत होती है जिन लोगों के हाथ में फेट लाइन नहीं होती उनकी भी, लेकिन उनको स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है, और स्ट्रगल की वजह से वो बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा पाते हैं और काफ़ी रिच भी हो जाते हैं, क्योंकि जिनके हाथ में फेट लाइन कंप्लीट होती है ऐसे व्यक्ति स्ट्रगल ज़्यादा नहीं करते और कंफर्ट्स में लाइफ को एंजॉय करते हैं। लेकिन जिनके हाथ में फेट लाइन मिसिंग होती है ऐसे व्यक्ति कंफर्ट्स को छोड़कर
उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर पैसा कमाते हैं और बहुत ऊंचाइयों तक भी पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर जो फेट लाइन का मिसिंग होना कोई ड्रॉबैक नहीं है, उल्टा इनके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। और दूसरी चीज़ हम देखें अगर लाइफ लाइन को, तो यहाँ पर काफ़ी क्लियर लाइफ लाइन है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन में प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं दे रही। कुछ एक या दो लाइन्स हैं जो इनकी लाइफ लाइन को डिस्टर्ब कर रही हैं। यहाँ पर 25 और 30 के अराउंड एज में थोड़ी सी हेल्थ रिलेटेड इशू इनको हो सकते हैं, अदरवाइज काफ़ी अच्छी और स्ट्रांग इनकी लाइफ की लाइन है। तो जो लाइफ है लगभग वो 75 से 80 के आसपास लाइफ यह एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि बहुत लॉन्ग लाइफ लाइन यहाँ पर नहीं है, 80 के आसपास तक फिर भी पहुँच रहे, तो काफ़ी लंबी एज है, ठीक है, एवरेज है, यानी अच्छी एज को यहाँ एंजॉय कर पाएंगे। और साथ ही साथ कोई भी सीरियस प्रॉब्लम यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन से नज़र नहीं आ रही। कुछ हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स रह सकती हैं लाइफ में, लेकिन मेजर इशू यहाँ पर कोई भी हेल्थ रिलेटेड नज़र नहीं आ रहा। मून एरिया को देखा जाए तो काफ़ी ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, ऊपर की तरफ उठती हुई लाइन्स हैं और आड़ी रेखाएं भी हैं जो काफ़ी ट्रैवल इनसे करवाएंगी लाइफ में, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहेगी। और वीनस की बात की जाए तो वीनस भी यहाँ पर मुझे एवरेज दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा उभरा होने, जो कि अच्छी बात है। ज़्यादा उभरा हुआ वीनस व्यक्ति को सेक्सुअलिटी की तरफ खींचता है, तो यहाँ पर गर्डल ऑफ वीनस भी इनके हाथ में है, लेकिन वीनस माउंट यहाँ पर काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, जो इनके लिए हर तरह की लग्जरीज और सुविधाएं इनको लाइफ में देता रहेगा। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश रहती है कि सारे सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई क्वेश्चन या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।